प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। देखते हैं एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 16 में हमें कहा गया है कि किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन में मिल जाते हैं। 12 जो खराब पेन है, 132 जो अच्छे पेन है, उसमें मिक्स हो जाते हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। देखने से नहीं पता चलता कि वो खराब है या अच्छा है, यूज करने से पता चल रहा है। उसको चला के देखते हैं तब पता चल रहा है कि ये अच्छा है या खराब है। इसी वजह से तो आपस में मिक्स हो गए हैं वो। अब इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है। इसमें से कोई सा भी एक पेन निकाला जाता है रेंडमली, इसमें से उठा के एक पेन बाहर निकाल लिया गया है। निकाले गए पेन का अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो हमें निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब यहां पे देखो, हमें निकालना क्या है, निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता। अब देखो, जो प्रायिकता का फॉर्मूला, वो क्या कहते हैं कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल संभव परिणामों की संख्या। अब प्यारे बच्चों, अनुकूल परिणाम क्या होंगे, हमें क्या निकालना है। निकाले गए पेन का अच्छा होने की प्रायिकता, तो कोई भी पेन जो अच्छा होगा वो निकलेगा अगर, तो अनुकूल परिणाम होगा। तो अनुकूल परिणाम कितने हुए हमारे पास, जो अच्छे पेन है वो अनुकूल परिणाम हुए। अच्छे पेन कितने हैं, 132। यहां पे हमारे पास कितना आ गया, 132। और कुल संभव परिणामों की संख्या, जब हम एक मिश्रण में से एक पेन निकाल रहे हैं तो पेन कोई सा भी आ सकता है, तो कितने संभव परिणाम हो सकते हैं, जितने पेन है। तो ये देख लो कुल पेन कितने हैं, कुल पेन कितने हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे, 132 प्लस 12, तो ये हो जाएगा हमारे पास 144। तो यहां पे हम लिख देते हैं 144। अब इसको कैंसिल कर लो आप। यहां पे हम इसको देखो, 2, 3, 5 और 1 6, 4, 4, 8 और 1 9, ये भी 3 पे हो जाएगा, ये भी 3 पे हो जाएगा, 2 पे हो ही रही है, तो 6 पे कैंसिल कर देते हैं। इसी तरह 6 दुनी 12, 1 बच गया, 6 दुनी 12, 6 दुनी 12 2, 6 चौके 24, तो ये हमारे पास आ गया 22/24। अब फिर ये 2 पे कैंसिल हो रही है, आ गया 11 और ये आ गया 12, तो आंसर आ गया हमारे पास 11/12। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। बस आपको ये देखना है कि कुल कितने संभव परिणाम हो सकते हैं और अनुकूल परिणाम कितने हैं, यानी कि जो उसने पूछा गया है वो कितने परिणाम हो सकते हैं, और फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये हमारे पास। आगे बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करें तो इसमें कहा गया है कि 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। टोटल 20 है, उसमें से 4 खराब है, यानी कि ठीक कितने हुए, 16। आगे बढ़ते हैं, इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब हो, ये जो बल्ब है वो कैसा हो, खराब हो। समूह कितना है, 20 बल्बों का एक समूह है, उसमें खराब कितने हैं, 4 है। तो लिख लेते हैं पहले, कुल बल्ब है हमारे पास 20, उसके बाद हमने लिख दिया खराब बल्बों की संख्या, जो खराब बल्ब है वो हमारे पास कितने हैं, 4। तो मतलब ठीक कितने हो गए, ठीक
बल्बों की संख्या, ये हमारे पास कितने होगी? देखो टोटल 20 है तो चार खराब है तो ठीक कितने हो जाएंगे, इसमें से माइनस कर देते हैं, हमारे पास कितना आ जाएगा 16, तो 20 माइनस 4 कितने हो जाएंगे हमारे पास ये 16। तो ठीक का पता चल गया, खराब का पता चल गया, कुल का पता चल गया। अब उसने कहा था कि इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब हो, बल्ब खराब हो, यानी कि पहला जो पार्ट है इसमें पूछा गया है कि खराब बल्ब निकालने की प्रायिकता, खराब बल्ब निकालने की प्रायिकता, फॉर्मूला लिख देंगे अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। हमेशा जब भी कोई प्रायिकता का क्वेश्चन करेंगे फॉर्मूला जरूर लिखेंगे। अब देखो खराब बल्ब निकालना है, खराब है कितने 4, बटे में कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल बल्ब कितने हैं, बल्ब तो कोई सा भी निकल सकते हैं, और बल्ब कितने हैं कुल 20, तो 4 बटे में 20, तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, हमारे पास आंसर आ गया 1/5, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। चलिए बच्चों इसका इसी तरह से एक पार्ट और है, सेकंड पार्ट की बात करते हैं। इसमें कहा गया कि मान लीजिए पार्ट वन में, जो इस पार्ट की बात कर रहे हैं, कि में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, पार्ट वन में जो बल्ब निकाला है वो खराब नहीं है, आगे बढ़ते हैं, और न ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया गया है और ना ही इसको वापस डाला गया है, जो बल्ब है वो खराब नहीं है, इसका मतलब कैसे है, जो एक बल्ब निकाला गया है पार्ट वन में, ये देते हैं कि यदि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, खराब नहीं है तो इसका मतलब कैसा है वो बल्ब, ठीक है, ठीक बल्ब है वो, इसका मतलब, और उसको वापस नहीं डाला गया, तो इसका मतलब अब इस स्थिति में खराब बल्बों की संख्या कितनी होगी, जो निकाला गया बल्ब वो खराब नहीं है, तो खराब तो वही 4 ही रहेंगे, और ठीक बल्बों की संख्या कितने रह जाएंगे, ठीक बल्ब थे कितने 16, 16 में से एक निकल गया तो कितने रह गए 15, तो कुल बल्ब कितने हो गए 15 और 4, कितने हो जाएंगे 19, 19 क्यों हुए, क्योंकि जो बल्ब निकल गया वो कैसा था, खराब नहीं था, यानी कि ठीक था, उसको वापस नहीं डाला, तो वापस नहीं डाला तो अब 20 से पहले तो अब कितने रह जाएंगे 19 रह जाएंगे। अब दोबारा से पढ़ लेते हैं, अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह बल्ब खराब नहीं है। एक बार दोबारा से स्टेटमेंट पढ़ते हैं पूरी सेकंड पार्ट की। मान लीजिए कि पार्ट वन में जो बल्ब निकला है, पार्ट वन में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और न ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है, तो खराब नहीं है यानी कि ठीक है, और वापस नहीं डाला है तो ठीक 15 रह गए, खराब तो उतने ही रहे, टोटल 19 रह गए। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं है। दोबारा मेरे इसी तरह से पूछ लिया गया कि अब खराब बल्ब नहीं निकालने की प्रायिकता, या अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि निकाले गए बल्ब की खराब नहीं होने की प्रायिकता। तो फॉर्मूला लिख देंगे अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल संभव परिणामों की संख्या। अब इसमें कहा गया है खराब नहीं है, इसका मतलब ठीक है, तो ठीक अनुकूल परिणाम हुए, तो ठीक कितने हैं 15 और कुल कितने हैं 19।
तो ये इसका आंसर है। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है एक पेटी में 90 डिस्क है जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है। एक पेटी में 90 डिस्क है, कोई प्लेट है, 90 डिस्क है जिन पे 1 से लेकर 90 तक की संख्याएं लिखी हुई है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि इस डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की एक संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या और 5 से विभाज्य संख्या। तो 3 पार्ट है, यहां से हमारे पास कुल डिस्क कितनी है, पेटी में कुल डिस्क यह है 90 और उन पर लिखा क्या हुआ है 1 से 90 तक की संख्याएं अंकित है, यानी कि इस तरह से लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से 87, 88, 89 और 90 तो ये संख्याएं लिखी हुई है उन पे, हर एक पे एक संख्या लिखी हुई है। अब अगर इसमें पूछा गया है कि एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई डिस्क पर अंकित हो पहला पार्ट 2 अंकों की एक संख्या, एक तो ये हो गया हमारे पास। दूसरे में पूछा गया है एक पूर्ण वर्ग संख्या और तीसरे में 5 से विभाज्य संख्या, 5 से विभाज्य संख्या। तो ये 3 पार्ट है इसके। अब देखो उस पेटी में 90 डिस्क है और एक डिस्क निकाली जाती है रैंडमली, यादृच्छा निकाली जाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी, 90 होगी, क्योंकि कोई सी भी निकल सकती है 1 से लेकर 90 तक, उन पे जो अंक अंकित है उनमें से कोई सी भी डिस्क निकल सकती है। अब पहला पार्ट 2 अंकों की संख्या हो, प्रायिकता इस बात की निकालने की जो वो डिस्क है उस पे 2 अंकों की संख्या है। अब देखो 2 अंकों की संख्या देख लेते हैं कितनी होती है। 2 अंकों की संख्या हमारे पास हो जाएगी कहां से स्टार्ट होगी, 10 से, 10 11 12 13 इस तरह से चलती रहेगी कहां तक, 90 तक, 88, 89 और 90। तो हमारे पास 2 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी, 2 अंकों की कुल संख्याएं ये हमारे पास कितनी होगी। अब देखो 1 से लेकर 9 तक भी आई ना इसके अंदर, तो 9 रह गई इसमें से, इन टोटल 90 में से 9 रहेगी, तो यानी कि ये 81 है। अब इस केस के लिए प्रायिकता क्या होगी, तो हमारे पास प्रायिकता क्या आ जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी हमारे पास अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 2 अंकों की संख्या चाहिए थी 81 और कुल संभव परिणाम कितने आएंगे 90, तो 81 बटे में 90 9 पे कट जाएगा, 9 और ये 10, तो कितना आंसर आ जाएगा 9/10। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। ठीक इसी तरह से सेकेंड पार्ट देखते हैं, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, इस बात की प्रायिकता निकालनी है कि वो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। अब देखो 1 से 90 तक पूर्ण वर्ग संख्याएं, 1 से 90 तक पूर्ण वर्ग संख्याएं, देखो एक तो 1 होगी, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, तो अगली 4 हो जाएगी, 3 से 9 मिलेगा 9, 16, 25, 36,
49, 64, 81, 10 का वर्ग 100 होता है तो वो इससे बड़ी हो जाएगी, इसमें नहीं आ जाएगी, तो ये आ जाएगी हमारे पास कितनी हुई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पूर्ण वर्ग संख्याएं, समझ गए ना मतलब इसका, तो वो संख्याएं जिनका अगर वर्गमूल करें तो पूरा पूरा आंसर है। अब देखो एक का वर्गमूल करेंगे तो एक आएगा, चार का करेंगे तो दो आएगा, 9 से 3 मिलेगा, 16 से 4, 25 से 5, 36 से 6, 49 से 7, 64 से 8, 81 से 9, तो ये हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी। तो कितनी आई, तो दो अंकों की सॉरी पूर्ण वर्ग संख्याओं की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है, तो प्रायिकता इस केस में क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणाम 9 हो गए, कुल परिणाम हमारे 90 हो गए, 9 पे कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1/10 इसका आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास पार्ट सेकंड है, ठीक इसी तरह से पार्ट थर्ड में कहा गया है 5 से विभाज्य संख्याएं। अब देखो हमें 1 से 90 तक की 5 से विभाज्य संख्या निकालनी है, 1 से 90 तक 5 से विभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होगी, जो 5 पे पूरी पूरी भाग है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 और 9, 18 होगी, तो ये होगी हमारे पास कितनी होगी 18। तो 1 से 90 तक 5 से विभाज्य कुल संख्याएं हमारे पास कितनी होगी 18, यहीं पर लिख दो कुल संख्याएं कितनी होगी हमारे पास 18 होगी हमारे पास। तो यहां इस केस के लिए प्रायिकता कितना हो जाएगा, अनुकूल परिणाम तो 18 हो गए और कुल संभव परिणाम कितने हो गए 90, 18 भी कट जाएगा, 18 के 18, 18 5 90, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/5, तो ये इसका आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास है, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। तो एक पासा है, पासे कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, 6 फलक होते हैं, तो उन 6 फलक पे क्या क्या लिखा हुआ है उसके बारे में बताया गया है। यहां पे उन पे लिखा हुआ है ए बी सी डी ई और दोबारा फिर ई, ए दो बार है। अब इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो, फर्स्ट पार्ट है इसमें ए प्राप्त करने की प्रायिकता और सेकंड पार्ट है डी प्राप्त करने की प्रायिकता। बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन बहुत इजी है। अब आप देखें जो वो पासा है उस पे पासे के कितने फलक है, 6 फलक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो कुल संभव क्या आ सकता है, जब एक पासे को फेंका जा सकता है तो कुछ भी आ सकता है, कुल संभव परिणाम कितने हुए 6। हमें क्या प्राप्त करना है, ए अनुकूल परिणाम, ए देखो कहां पे है, एक तो ये रहा है और एक ये है, तो ए दो जगह पे है, तो अनुकूल परिणाम कितने हुए
दो, तो दो बटा छह सोल्व कर देंगे, दो एकम दो, दो तीन छह, ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक बटा तीन हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन। ठीक इसी प्रकार से दूसरा पार्ट है डी प्राप्त करने की प्रायिकता। अब आप देखेंगे कुल परिणाम तो छह ही है, कुल संभव परिणाम तो छह है, डी इसमें कितनी जगह पे है, डी इसमें सिर्फ एक जगह पे है, तो अनुकूल परिणाम कितना हुआ, एक बटा छह, तो यह हमारे पास इसका आंसर है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, यह था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19।